हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन पर। दोस्तों, जिस बात की आशंकाएं थी, आखिर वही बात जो है सामने आई। जैसा कि आप सभी को मैंने अमर ज्योति उजाला की जो अपडेट थी उसमें यह बताया था कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जो बिहार के अंदर 1 या 2 नवंबर को पेपर ही लीक होने वाली है, उसकी जो अपडेट है प्रशासन को पहले ही मिल चुकी थी और उन्होंने स्वास्थ्य समिति बिहार को भी इसके बारे में अपडेट किया था। पर बिहार स्वास्थ्य समिति ने कहा कि हमारे पास ऐसा कोई भी इन्फॉर्मेशन या कोई भी रिकॉर्डिंग हमें प्राप्त नहीं हुई है मेल के थ्रू या SMS के थ्रू, जिसके कारण बिहार कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की वैकेंसी की एग्ज़ाम को हम कुछ समय तक टाले और इसके लिए प्रशासन को यहां पर जो है छानबीन करने का समय दें, जिसको लेकर आज फिर से वही दोहराया गया, जिसके कारण एग्ज़ाम होने के बाद ही यहाँ पर जो है पेपर लीक मामले को लेकर सामने आई और इस पेपर लीक मामले को रोक दिया गया और इस एग्ज़ाम को पूरे तरह से रद्द कर दिया गया। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि कई लोगों ने मुझे यह भी कमेंट किया, जिसके लिए मैं आपसे इन चीज़ों को लेकर माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि मुझे इस बारे में अपडेट नहीं था। मैंने वीडियो आप सभी के सामने सवेरे अपलोड किया है और इसकी अपडेट जो है मुझे अभी पता चली कि इसके पेपर को जो है रद्द कर दिया गया है, क्योंकि कई सारे उम्मीदवार थे जो अपने सेंटरों के लिए सुबह निकल भी चुके थे, जिसके कारण मुझे एक एनालिसिस करना था अपनी यहाँ पर 1 नवंबर की एग्ज़ाम को लेकर, तो उसी को लेकर यहाँ पर अपडेट आ रही है। अब इस अपडेट में क्या लिखा गया है वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसका लिंक आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी जोन में मिल जाएगा। बिहार कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर पेपर लीक को लेकर मामले को लेकर, यानी कि बिहार CHO भर्ती लीक को लेकर स्थगित हो गई परीक्षा। यानी कि दोस्तों अब यह जो एग्ज़ाम है वो स्थगित हो चुकी है, क्योंकि कल के ही सेंटर पर जो है यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर जो है शंका थी और यहाँ पर जो है प्रशासन द्वारा, पटना पुलिस द्वारा इन सभी चीज़ों की निरीक्षण की गई, तो क्या निकल के आया वो भी यहाँ पर आप देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि टाइम्स नाउ नव भारत की तरफ से ये अपडेट बताया जा रहा है कि सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि बिहार CHO एग्ज़ाम 2024 पोस्टपोन्ड। यहाँ पर देखते हैं कि बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की एग्ज़ाम होने वाली परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। पटना पुलिस ने इस परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर आशंका में यहाँ पर की गई जाँच पर यहाँ पर छापामारी की, जिससे यहाँ पर देखते हैं कि बिहार सरकार के स्टेट हेल्प सोसाइटी SES के और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के अंतर्गत कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के कुल पद जो हैं 4500 पद निकाले गए थे बिहार कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के अंदर, जिसके अंदर यहाँ पर देते हैं कि साफ साफ बताया गया है कि इसके अंदर पेपर लीक हुआ है। और यहाँ पर अगर आप देते हैं पेपर लीक के मामले को लेकर जो बताया जा रहा है कि बिहार में फर्जीवाड़ा, यहाँ पर राज्य स्वास्थ्य समिति वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी हुई थी 1 या 2 दिसंबर को आयोजित होने वाली थी, 1 दिसंबर रविवार को आयोजित कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर में फर्जीवाड़ा सामने आया और पटना पुलिस ने यहाँ पर जो है रामकृष्ण नगर समेत यहाँ पर 12 परीक्षा केंद्र में छापा मारा और इसके दौरान 12 से अधिक लोगों को यहाँ पर हिरासत में लिया गया है। पटना पुलिस ने बताया कि 2 परीक्षा केंद्र को सील भी कर दिया गया है, फिलहाल परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार परीक्षा रद्द भी हो सकती है। यहाँ पर जो है पुलिस के हिसाब से यहाँ पर लोगों से पूछताछ की जा रही है और परीक्षा केंद्र में सामने आए यहाँ पर कागजातों को जब्त किया गया है और इसकी जाँच चल रही है। फिर अगर नीचे आते हैं तो इसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि 4500 पदों के लिए, तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर 2-3 सेंटर तो पहले यहाँ पर सील कर दिए गए हैं और अनुमानित यही है कि इस वैकेंसी को, यानी कि इस भर्ती को, जिसकी एग्ज़ाम डेट को रद्द कर फिर से दूसरे एग्ज़ाम डेट के अपडेट किया जाएगा। पहले तो दोस्तों यह भर्ती कम से कम कुछ समय के लिए, जिस बात का आशंका था, अगर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जिस तरह से प्रशासन ने पहले ही विभाग को बताया था कि इसके अंदर हमें कुछ ना कुछ सूचना मिली है, अगर उस समय अगर बढ़िया से अगर एक्शन लिया जाता, क्योंकि सारे कॉल रिकॉर्ड प्रशासन के पास थे, पर इस बार समिति ने कुछ ना कुछ यहाँ पर जो है उनकी चूक से कारण से उम्मीदवारों की प्रयास जो है फिर लंबे समय तक इंतजार करनी पड़ेगी, क्योंकि अब जितने भी सेंटर पे धांधली हुई है उनकी जाँच होगी और साथ ही जितने भी प्रशासन द्वारा यहाँ पर उम्मीदवारों को यहाँ पर पकड़ा गया है उनसे पूछताछ होगी। अब तभी सारी चीज़ क्लियर होने के बाद कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की एग्ज़ाम होगी। यह एक सबसे बड़ा यहाँ पर जो है इतनी बड़ी गलतियों को स्वास्थ्य विभाग ने इग्नोर किया है। इन तरह का इग्नोर जो है स्वास्थ्य विभाग को नहीं करना था, क्योंकि काफ़ी लंबे समय इस बाद कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की वैकेंसी लाई थी। अगर कुछ वीक रुक के ही इनकी बढ़िया से जांच करके कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की एग्ज़ाम कंडक्ट कराई जाती तो वो ज़्यादा सफलतापूर्वक उम्मीदवारों को अच्छा लगता। पर इन फर्जीवाड़ों के कारण अब जिन उम्मीदवारों ने एग्ज़ाम दे चुके हैं
या अभी जिन लोग एग्ज़ाम देने के लिए सेंटर पहुंच चुके हैं उन्हें इस बात का पता चल रहा है कि भर्तियां एग्ज़ाम जो है रद्द कर दी गई है, तो उन्हें इन बात का काफ़ी ज़्यादा ठेस लग रहा है। तो यहाँ पर जिस बात का आशंका नहीं थी वही हुई। और दोस्तों, अगर एग्ज़ाम होने के बाद इन सभी चीज़ों की धांधली लगती तो आप सभी के एग्ज़ाम काफ़ी लंबे समय तक अटक सकती थी, पर प्रशासन की यहाँ पर जो है उनकी मेहनत ने इन चीज़ों को रोका है और कई सारे सेंटरों को यहाँ पर जो है उन्होंने यहाँ पर जो है पूरे तरह से छानबीन की है और उनके सपोर्ट से उम्मीदवारों को इस वैकेंसी के अंदर धांधली होने की जो रिपोर्टें हैं मिलने के कारण वो एक्शन में रहे। पर जल्द ही प्रशासन इन चीज़ों को जल्द से जल्द क्लियर कर आप सभी के सामने अब एक नई डेट देगी। अब देखना है बिहार स्वास्थ्य समिति जो है वो क्या करता है, 1 नवंबर के एग्ज़ाम को रद्द करता है या उन्हीं एग्ज़ाम के पैटर्न पर सिर्फ एक और एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा जो 2 नवंबर को यहाँ पर यानी कि 2 दिसंबर को होना था उसी एग्ज़ाम डेट को आगे भी बढ़ा सकता है। तो अब क्या स्वास्थ्य समिति कहती है उसके बाद जो फाइनल रिपोर्ट आएगी आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से जरूर जरूर अपडेट किया जाएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद।